Hello students, welcome to Guru 5. In this lecture 5.2, we will discuss an example 1.11 from NCERT. The electric field components are Ex equal to alpha root x. That means जो x component है electric field का वो alpha root x है, alpha की value given है और x है variable. इसका मतलब x axis के along electric field वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, डिपेंड कर रही है एक्स कोऑर्डिनेट पर. और जो वाई और जेड कंपोनेंट्स है वो है जीरो. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग. कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब. जो ये क्यूब गिवन है जिसकी साइड 0.1 m है, इस क्यूब से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में. तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक फेज से सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उन सभी फ्लक्सेस को हम ऐड कर देंगे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए. तो जो ये सरफेस है, ये वाली ऊपर वाली और जो बैक साइड है और जो ये बॉटम सरफेस है, इन चारों फेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है. तो इन चारों फेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो. तो जो ये रेड कलर से हमने डार्कन कर रखी है, केवल फ्लक्स इन दोनों फेस से पास करेगा. ओके, या ऐसे ही बोल सकते हैं जो ये चार फेस है, एक दो बैक साइड वाली और ये बॉटम वाली, इनका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. तो इन चारों फेज से पास करने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा. सो हमें केवल ये फेज और ये फेज, इन दोनों फेज से फ्लक्स कैलकुलेट करना है. तो हमने ये फेज 1 मान ली और ये फेज मान ली 2. इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसको हमने मान लिया S2. इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैंने मान लिया S1 कैप, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और अगर क्लोज्ड सरफेस है तो हमेशा आउटसाइड होता है. तो ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड और ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर और ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर. ओके, नाउ सो फ्लक्स φ1 थ्रू फेस 1 कितना हो जाएगा? E डॉट ds. इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा. इस फेस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? एक्स इक्वल टू ए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अल्फा रूट ए डी एस. और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना? कोस 180. अल्फा रूट ए आउटसाइड, कोस 180 माइनस इंटीग्रेशन डी एस. ये क्या है? टोटल एरिया ऑफ द फेस 1 और इसका एरिया कितना? ए स्क्वायर. सो ये हो जाएगा माइनस अल्फा रूट ए ए स्क्वायर. नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस 2. फिर से वही ई डॉट डी एस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस के लिए अल्फा इंटू रूट एक्स. एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इस फेस के लिए? ए प्लस ए 2a. सो ये हो जाएगा अल्फा रूट 2a. एरिया ds कोस कितना एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में? जीरो. सो ये हो जाएगा अल्फा रूट 2a कोस 0 1 और इंटीग्रेशन ds. और टोटल एरिया इस फेस का भी कितना? a स्क्वायर. सो अल्फा 2a a स्क्वायर. सो नेट फ्लक्स फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब. ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2. इसकी वैल्यू कितनी? अल्फा रूट ए ए स्क्वायर प्लस अल्फा रूट 2a ए स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1, बाकी कॉमन आ जाएगा. अल्फा रूट ए ए स्क्वायर. अल्फा की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1.05 और फाइव की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज विद इन द क्यूब. तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या होता है? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो Q इनसाइड कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट फाई. एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻¹⁰ और फाइव कितना है हमारा 1.05। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा करीब करीब 9.27 इंटू 10⁻¹⁰ कूलाम। In the next lecture, we will take another example from NCERT, example number 1.12. That is also based on Gauss law.